अपने पौत्र परीक्षित जी को आसीन किया, राज मुकुट धारण करा दिया, राजगद्दी सौंप करके पांचों पांडव भाई चल दिए हिमालय के लिए स्वर्गारोहण के लिए। और आपने सभी ने वो कथा सुनी होगी, मैं संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ रहा हूं। स्वर्गारोहण में केवल युधिष्ठिर जी महाराज ही सांस शरीर स्वर्ग में पधारे, स्वर्ग में पहुंचे। सब चारों भाइयों का पतन हुआ। पतन जीवन में किसका होता है? जिसके जीवन में ईगो, अभिमान, कैसा भी ईगो, कैसा भी अभिमान, पतन निश्चित है, विश्वास कीजिए। जीवन में कभी अभिमान ना आ पावे, ये अभिमान सज्जनों ध्यान देना, ये भगवान का भोजन है। थोड़ा सही ला दो। राधे राधे, राधे राधे, ये अभिमान क्या है बोलो ना, भगवान का आहार है, भोजन है। भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे आपका, जरा भी ईगो आ गया, मैं, बस भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भीमसेन को भी एक अभिमान बल का, मैं बहुत बलशाली हूं, एक एक भुजा में 10,000 हाथियों का बल है। भीमसेन स्वर्ग नहीं पहुंच पाए, स्वर्गारोहण में पतन हुआ। नकुल को भी अभिमान, नकुल को काहे का अभिमान, मैं बहुत रूपवान हूं, रूप का अभिमान नकुल के जीवन में, नकुल भी नहीं पहुंचे। सहदेव को, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा पंडित हूं, ये विद्या का अभिमान। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर इतना अभिमान कि पूरे जगत में सबसे बड़ा धनुर्धारी केवल मात्र मैं हूं। चारों भाइयों का स्वर्गारोहण में पतन हुआ, अकेले कौन? वो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ही स्वर्ग में पधारे हैं। धर्मराज है